पवित्र आत्मा चाहता है आपकी आईज ओपन हो, और वो आपको कैसा बनाना चाहता है मैं आपको आज ये बताऊंगा। किस तरह का शख्स, किस तरह की सिस्टर, किस तरह का ब्रदर, किस तरह का औरत, किस तरह का मर्द परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, वो उसके हार्ट में क्या है, उसके दिल में क्या है, आज ये मैं आपको बताऊंगा। अगर जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है वो कैसे देखता है और वो क्या चाहता है, उसके दिल में आपके लिए क्या है, जब वो आपकी ओर देखता है चाहे आप डाउन हैं, चाहे आप नशे में हैं, चाहे आप पाप में हैं, चाहे आप किसी भी डाउन सिचुएशन में हैं, डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, आप बीमार हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी ओर देखता है, जब यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपकी ओर देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके विषय में। अगर पवित्र आत्मा इन चीजों को जो अभी हुई हैं जाहिर कर सकता है, जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिए ये हमने नहीं बनाए, जो फोटोज दिखाई ये आज तक चैनल की है, आज की अगर आप उनकी वीडियो खोलेंगे उनको बैक बैक करके देखो तो आपको ये वहां मिल जाएंगे। हालेलुया। दानियल 1:20 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो राजा उनसे पूछता था, किनसे? दानियल से, शद्रक से, मेशक से, अबेदनगो से। बाहर किस चीज की ये आवाज है, बंद करो इसको। उसमें वो राज्य भर के सब जोशियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। आमीन। ओके, यही एक ही है बस। हाँ, इसको बाद में पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे 1:20 आयत को। बुद्धि और हर प्रकार, बोलो बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वो सब जोशियों और तंत्रकों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। किन से? दानियल से, शद्रक से, मेशक से, अबेदनगो से। अगर आज एक व्यक्ति फाइनेंस में ऊपर है, आज एक व्यक्ति बिजनेस में ऊपर है, क्योंकि उसकी समझ दूसरे लोगों से ज्यादा है बिजनेस में, हाँ या ना? अगर आज एक व्यक्ति एक अच्छी मिनिस्ट्री को चला रहा है उसके पास आत्मिक समझ ज्यादा है दूसरों से। अगर आज एक एक औरत जो है अपने घर को अच्छी तरह से चला रही है, अपने घर को मैनेज करके रख रही है, तो इसका मतलब उसकी समझ जो है वो दूसरी औरतों से ज्यादा है, हाँ या ना? एक आदमी घर नहीं बनाता कभी भी। आदमी एक कंक्रीट का महल बना सकता है, एक घर बना सकता है, लेकिन उसको घर रहने योग्य औरत बनाती है और औरत बिगाड़ भी देती है।